जी, हम बात कर रहे थे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, इट शोज हाउ मच और व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट। एक्चुअली इन दिस टाइप ऑफ एडवर्ब वी विल डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ द टास्क। हम शिद्दत की बात करते हैं, कितनी शिद्दत से या कितनी लगन से या कितने फोकस से हमने ये काम किया है, इसमें ये बात किया जाता है। He was too careless. It means he was too careless. बहुत ही लापरवाह है। I am rather busy. मैं कुछ मसरूफ हूँ। I am so glad. मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर फोकस किया जा रहा होता है बात के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम एम्फसिस कर रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड निगेशन, ये हमें यस या नो के आंसर्स के साथ हमें बात कर रहे होते हैं, हमें बात को फाइनलाइज कर रहे होते हैं या उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिविटी देना, निगेशन का मतलब होता है नेगेटिविटी देना। इन इस टाइप्स के अंदर हम या तो बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि ही सर्टेनली वेंट, वो यकीनन गया, फॉर्मली मजबूती से, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और यकीनन वो इस बात का जिम्मेदार था। अब ये दोनों तरफ से, या तो वहां पर पॉजिटिव बात की जा रही होगी उसे एक्सेप्ट किया जा रहा होगा, या नेगेटिव बात होगी और उसे रिजेक्ट किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ रीजंस। एडवर्ब ऑफ रीजंस के अंदर हम बात करते हैं वजूहात, हमें बात करनी पड़ती है। वो बीमार है, वो आया क्यों नहीं, चूंकि वो बीमार है, चूंकि यहाँ पर जो है वो रीजंस है, हेंस इट प्रूव्स, यहाँ पर ये रीजंस है, और देयर फॉर यहाँ पर बस इसीलिए ही लेफ्ट स्कूल, देयर फॉर ही लेफ्ट स्कूल, बस वो स्कूल छोड़ गया। टीचर आप कह लें कि टीचर स्कर्ल्ड हिम, देयर फॉर ही लेफ्ट द स्कूल, टीचर ने उसे बदतमीजी से बुलाए, आप कह लें कि उसका मजाक उड़ाया और वो इसीलिए वो स्कूल छोड़ के चला गया। हेंस इट इज प्रूव, लिहाजा ये साबित होता है। ये सारी बातें हमारे पास रीजंस के अंदर आती हैं। एडवर्ब ऑफ रीजंस हमें वजूहात देता है, ये कोई एक्शन के बारे में लॉजिक देता है, रीजन देता है। इट शोज रीजंस एंड लॉजिक्स इन एन एक्शन, ये हमें लॉजिक्स के बारे में बताता है, रीजंस के बारे में बताता है और एक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। ये जिस तरह हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, इसी तरह इसकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन रही होती हैं। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव थ्री डिग्रीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स और थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सच एडवर्ब्स आर जनरली कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स। इट इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन सिलेबल वी फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द EST, superlative by adding EST to the positive. Fast, positive, आप कह लें कि faster है, fastest है, इसी तरह hard, harder, hardest है, long, longer, longest है, soon, sooner, soonest है, ram fast, rama ran fast, फिर है अर्जुन, आप कह लें कि जी comparatively है ran faster, अब यहाँ पर लिखना था faster, ran faster। फिर हमारे पास है हैरी रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई गई हैं, जैसे हम एडजेक्टिव की बनाते हैं इसी तरह हम एडवर्ब की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब एंडिंग एल वाई, मतलब जिस तरह हमारे पास मैथड थे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के बनाने के, इसके भी कुछ मैथड्स हैं जो हमें देखने हैं। एडवर्ब एंडिंग एल वाई फ्रॉम द कंपेरेटिव बाई एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाई एडिंग मोस्ट। अगर हमने एक ऐसा एडवर्ब है जिसके आखिर में एल वाई आता है, जैसे कि स्विफ्टली है, स्किलफुली है, तो कहता है इनके आप पहले हम मोर लगा देंगे और तो फिर कंपैरेटिव बन जाएगा, और मोस्ट लगा देंगे तो फिर सुपरलेटिव बन जाएगा।